देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जो देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, उनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में चर्चा करी, जिनमें हमने उनके निर्वाचन से संबंधित, उनकी अर्हताएँ, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो कार्य है, उनका जो समयावधि है, जो उनका कार्यकाल होता है, उस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के जो दूसरा जो सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का पद, उस पद के बारे में आज हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जो आधिकारिक क्रम में जो राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा नंबर आता है वह उपराष्ट्रपति का ही आता है। जो उपराष्ट्रपति का पद है यह लिया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। तो अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह ही होता है। आपसे निवेदन है कि यदि आपने पिछली वीडियो जो राष्ट्रपति से संबंधित वीडियोस हैं वह नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियो के को जा करके देख लें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं जो उपराष्ट्रपति पर भी लागू होती हैं और उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी बातें हैं जो राष्ट्रपति से भिन्न हैं। तो इस तरह से निर्वाचन की बात की जाए तो जो राष्ट्रपति की तरह ही क्या होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह सीधे सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर परोक्ष विधि से इनको चुना जाता है। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचित मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यह निर्वाचन जो होता है, जो ये निर्वाचन मंडल होता है, यह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो होता है उससे कुछ बातों में भिन्न होता है। ये कौन कौन सी बातें हैं इनमें देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग ले सकते हैं, जबकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते थे, जबकि यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर भिन्नता है कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य क्या नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे वे भी चुनाव में शामिल होते थे। और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या की है। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह राष्ट्र का प्रमुख है, तो इसमें उनके पास केंद्र के साथ साथ क्या होने चाहिए, राज्य की भी प्रशासनिक शक्तियां होनी चाहिए। इस प्रकार उनके चुनाव में यह आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पर केवल संसद के सदस्य ही नहीं बल्कि राज्य की विधायिकाओं के सदस्य भी भाग लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उनका कार्य सामान्य है, इनका कार्य है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता करना। तो यहाँ पर उनका जो चुनाव है इसलिए वह थोड़ा सा क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव से। तो ये बात बोली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। लेकिन किंतु होता क्या है कि दोनों मामलों में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, समान होती है। अर्थात जो राष्ट्रपति के चुनाव में होती थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमण के में जो प्रत्यक्ष गुप्त मतदान होता था, तो इसी तरह से मतदान होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति की क्या क्या अर्हताएं होती हैं, इस पद के लिए क्या 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 शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले तो वही है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, इनकी जो उम्र है वह 35 वर्ष की आयु ये पूरी कर चुके हैं और वे राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। जबकि हमने राष्ट्रपति के लिए देखा था कि राष्ट्रपति के जो पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं वह लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखते हों। तो यहाँ पर इस तरह से अगला जो है वह है कि ये केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी क्या न हो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं उनमें जो नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये का जमानत राशि जमा करनी होती है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव की ये शर्तें हैं। इनकी शपथ क्या है, शपथ इनको दिलाते हैं, इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और उनके जब पद पर इनको नियुक्त किया जाता है या कोई राष्ट्रपति के अलावा जो जो राष्ट्रपति ने नियुक्त किए हैं वे व्यक्ति क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
शपथ में वही होता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या-क्या शर्तें होनी चाहिए? तो यहाँ पर दो शर्तें बताई गई हैं, जिसमें कि जो उपराष्ट्रपति हैं वे संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने की तिथि से ही उनको उस सीट को क्या कर देता देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अर्थात वहाँ पर उस सीट को रिक्त कर दिया जाता है। दूसरा है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। इनका जो पदावधि होती है, जो इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल के अंतर्गत जैसे ही उनका पद ग्रहण किया जाता है उसके 5 वर्ष तक क्या है रहता है उपराष्ट्रपति का पद, वहाँ पर वो रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी त्यागपत्र को देकर राष्ट्रपति को देख करके वे अपने पद को छोड़ सकते हैं, या इनको भी वहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। हालांकि वहाँ पर जो होती है कोई औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि राज्यसभा के द्वारा बहुमत से ही इनको हटा दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको लोकसभा की सहमति वहाँ पर लेनी पड़ती है। इसके बाद उपराष्ट्रपति यदि 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत अपने पद पर बना रहना चाहे तो वहाँ पर रह सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो वहाँ पर रह सकते हैं। और जैसे कि उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य वहाँ पर वे होते हैं, अर्थात भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह कितनी भी बार क्या हो सकता है, एक व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति की तरह। पद रिक्तता की अगर बात आती है तो पद रिक्तता के कारण कुछ हो सकते हैं, जिसमें कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, या उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया हो, या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया हो, या फिर उनकी मृत्यु हो जाने पर पद रिक्त जब हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नया चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन अगर मृत्यु हो गया, त्यागपत्र, निष्कासन और महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा अगर पद रिक्त होता था हो है तो उस स्थिति में क्या होता है, शीघ्रता से क्या करते हैं वहाँ पर चुनाव करवाया जाना चाहिए। जो चुना गया उपराष्ट्रपति पद है, पद के लिए जो व्यक्ति है वह 5 वर्ष तक फिर से अपने पद पर बना रहता है। चुनाव में जो विवाद होते हैं उन विवादों और जो शंकाएं होती हैं उनका जो निर्णय होता है, जो उसकी जांच होती है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही ली जाती है, जिस प्रकार राष्ट्रपति के पद में ली जाती है। लेकिन और इनका जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है, वह निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियों की अगर बात की जाए और उनके कार्यों की अगर बात की जाए तो इनके कार्य दोहरे होते हैं, अर्थात ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वह लगभग जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनकी भांति होती हैं। इस संबंध में वो क्या होते हैं, जो अमेरिका के अध्यक्ष हैं, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके समान ही होते हैं उनके कार्य, और वह जो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वह सीनेट, जो अमेरिका की क्या है उच्च सदन है, उसका सभापति होता है, जिस प्रकार के हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर अगर उनका निष्कासन त्यागपत्र या मृत्यु के द्वारा उनको पद से रिक्त होता है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में वो उपराष्ट्रपति रह सकते हैं। और इस तरह से ये राष्ट्रपति की एक पावर, उपराष्ट्रपति की पावर है कि राष्ट्रपति का यदि त्यागपत्र दे करके या निष्कासन से या मृत्यु आदि कारणों से अगर उनका पद खाली होता है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति को पूरी की पूरी शक्तियाँ दी जाती हैं। इस तरह से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे उस समय क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य सभापति की कोई भी कार्य नहीं करते हैं, अर्थात उस समय उनको उपसभापति के कार्य से वहाँ पर उनके कार्यों का निर्वाह नहीं किया जाता है। अब भारत एवं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं अगर उनकी तुलना की जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर ही लिया गया है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नताएं हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बनाई हैं। इसमें अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति का पद होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक ही उस पद पर बना रहता है, जबकि भारत में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर
राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक ही क्या कर सकता है, उस पद पर बना नहीं रह सकता है, जबकि शीघ्रता से शीघ्र वहां पर चुनाव किया जाता है और चुनाव के पश्चात वहां पर नए राष्ट्रपति के लिए वहां पर व्यक्ति को स्थापित किया जाता है, और यह कार्यकाल लगभग अधिकतम 6 माह तक होता है, अर्थात 6 माह के अंतर्गत वहां पर चुनाव कराए जाते हैं। इस तरह से उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई भी विशेष कार्य यहाँ पर नहीं सौंपे गए हैं हमारे संविधान के अनुसार, लेकिन कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया था। अब उनकी जो परिलब्धियां हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, वे क्या क्या हैं? तो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां आदि की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इस प्रकार से उन्हें जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण ही मिलता है, उनके उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। 2008 में हुआ क्या था कि संसद ने राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका वेतन 40,000 रुपये से बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया था प्रतिमाह, और इसके अलावा उनको दैनिक भत्ता, निःशुल्क सुविधाएं, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधाएं आदि उनको प्रदान की जाती हैं। और उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय उनको वहाँ पर राज्यसभा के सभापति की वेतन नहीं मिलती है, जबकि राष्ट्रपति के पद की वहाँ पर उनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखें जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उसके बाद वह क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह होता है आर्टिकल 64 के अनुसार। और यहाँ पर अन्य उनके पास जो उनका चुनाव है, जो उनके कार्यकाल है, वहाँ पर आर्टिकल 66, आर्टिकल 67, और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो जुड़े हुए मामले हैं वह आर्टिकल 71 के अनुसार बताया जाता है। तो इस तरह से हमने उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जानकारियां प्राप्त करी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।